में संतोष नगर हनुमान नगर बीएमसी कॉलोनी एरिया में, और यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं सचिन केलकर जी से हम उनसे बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हुए हैं। ये काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे हैं, युवा उम्मीदवार हैं, सुशिक्षित हैं, तो किन मुद्दों को लेकर सचिन जी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आप किसी पार्टी से नहीं जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं, और जिसके कारण कई पार्टियों के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके चुनाव मैदान में आने से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पिछले 18 साल से इस विभाग में समाज सेवा कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं काम कर रहा था, लेकिन आज का जो दौर है सब पार्टी वाले बिक गए, उन्होंने टिकट बेच दिया है, तो मैं निर्दलीय खड़ा यहाँ पे हुआ हूँ। विकास का काम मुद्दा लेके मैं इस विभाग में जा रहा हूँ। पिछले 25 सालों से लोगों को यहाँ पे भारी समस्या है, शौचालय की समस्या है, गटर नाली की समस्या है, फिर यहाँ की जो स्थानीय नगर सेवक है पिछले 15 सालों से वो अफ्ताखोरी में नंबर वन है मुंबई में। उनकी वीवी चौथी पास हुई नगर सेविका है, पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी विषय हाउस में उठाया नहीं है। तो जब कोई नगर सेवक अपने विभाग का मुद्दा अपने हाउस में उठाता नहीं है, नगर पालिका महानगर पालिका में उठाता नहीं, वो हमारे विभाग का विकास कैसे करेंगे? स्थानिक नगर सेवक यहाँ के लोगों को जब गृह निर्माण का घर बांधने का सवाल होता है तो सबसे पहले उनके कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, मार्केट वालों से फेरे वाले से हफ्ता वसूली की जाती है। ये सब हम चुन के आने के बाद ये सब हम बंद करने वाले। आपके एरिया में स्लम का एरिया काफ़ी आता है, यह सारे की योजनाएं कई हैं लेकिन लटकी पड़ी हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग भी परेशान हैं, कई लोगों को अपात्र कर दिया जाता है, ऐसे मामलों में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ इस मुद्दे पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बीएमसी कॉलोनी है, 4,500 टेनेंट लोग की है, क्योंकि बीएमसी कॉलोनी जो बीएमसी कॉलोनी हमको पिछले 30 सालों में अलाउड किया हुआ था, लेकिन हमारे नगर यहाँ के नगर सेवकों ने 10-10 बिल्डरों को ला कर यहाँ पर ऐसा मसाला कर दिया है कि किसी भी एक बिल्डर को 70% मेजोरिटी नहीं मिली, जिसके कारण यहाँ का विकास हो नहीं पाया। कभी लकड़ा वाला आया, कभी आशापुरा आया, कभी अलग अलग बिल्डर आए हुए, तो इसके वजह से लोग बट गए और यहाँ का विकास नहीं हो पाया। तो हम कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या समझती है, जैसे सचिन जी उतर रहे हैं चुनाव में, क्या अपेक्षाएं हैं अगर चुनाव की जीत के आते हैं तो, क्या चाहते हैं, किस तरह से ये पब्लिक की सेवा करें, यहाँ के पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, अगर सचिन जी यहाँ पर जीत के आ जाएंगे, एक गए पिछले 18 साल से जो लोगों का सेवा कर रहे यहाँ पे बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, हॉस्पिटल का काम हो या किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो या महिलाओं पे कोई अत्याचार होता होगा तो उनके लिए दौड़ के आते। हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं जो सदाशिव पाटिल है, अगर कोई महिला किसी का झगड़े में सर फूटता है या कुछ होता है तो उनका दरवाज़ा जब जाके टोकती है तो उसकी बीवी आधा दरवाजा खोल के बाहर आती है, बोलते साहेब आत्मदे नहीं है। एक नगर सेवक का मतलब क्या होता है? अगर कोई जैसे एक लेडीज है, दो बच्चों को जन्म देती है तो दोनों बच्चों को एक जैसा देखती है, तो नगर सेवक है तो इनको पूरे एरिया को एक जैसा देखना चाहिए। अभी आप देखोगे हर एरिया में रूम का काम चालू है, क्यों चालू है, लोग क्यों कर रहे हैं यही काम, इलेक्शन के होने के बाद या इलेक्शन के आने के पहले क्यों नहीं लोग करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि जहाँ पे 2 लाख रुपए खर्चा होता है रूम बांधने के लिए, वहाँ नगर सेवक का बीएमसी का पकड़ के उनको 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। वो 50,000 बचाने के लिए आज लोग हर गले गले आप देखना चाहोगे कि रूम का काम चालू है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन के पीरियड में कोई नगर सेवक नहीं आएगा या कोई बीएमसी वाला आके उनको तकलीफ नहीं देता है, इसी वजह से लोग अभी रूम का काम कर रहे जो इलेक्शन के बाद वो लोग नहीं कर सकते, उनकी बस की बात नहीं। और जहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे आप देखोगे 90% गरीब लोग हैं जो बर्तन घस के अपना घर चलाते हैं, तो उनसे आप अगर बीएमसी के तौर पे नगर सेवक के तौर पे अगर 50,000 रुपये आप लेते हो ये तो गलत है ना। अगर हमारे सचिन भाई जीत के आते तो ये सब काम बंद हो जाएगा। और आप देखोगे पूरा 13 सेक्टर बीएमसी का है, जो पाटिल अभी वार्ड डिवाइड हुआ है, जो जहाँ यहाँ का वार्ड है उन्होंने कभी 15 साल में वहाँ पे काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऊपर के वार्ड से उनको वोट मिलता है, वहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे उत्तर भारतीय रहते हैं, तो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को उनकी जरूरत है। तो यहाँ की पब्लिक और यहाँ के स्थानीय निवासी उन्होंने देखा खुलेआम, उनका कहना है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, नगर सेवक से सब परेशान है, जिसके कारण अब सचिन जी आप पे भरोसा जनता जता रही है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं आप पिछले 15 सालों से निस्वार्थ बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, तो पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ दिख रहा है, अगर आप चुन के आते हैं तो ये जो समस्याएं हैं इसको किस तरह से आप सुलझाने का प्रयास करें? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हमारी माता बहनें हैं प्रेगनेंसी का जब आते हैं उनको, मतलब जब पेट से होती है वो, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको उधर जाना पड़ता है, 70-80 हज़ार रुपये बिल होता है, जो कि यहाँ के गरीब लोग नहीं कर पाते थे। तो एक ऐसा अस्पताल हम लोग यहाँ तैयार करें कि जहाँ पे वो जाके मनपा में फ्री में उनका डिलीवरी कर सके। दूसरी बात यहाँ कि यहाँ काफ़ी बड़ा मॉल है,
बहुत सारे युवक है यहाँ पे, लेकिन उनको यहाँ पे खेलने कूदने के लिए मैदान नहीं है। एक जो मैदान था महानगर पालिका, वहाँ पे हमारे यहाँ के एमपी जो है कीर्तिकर साहब ने उसको हड़प लिया और उसको स्पोर्ट्स क्लब किया है। तो सबसे पहला कानूनी तौर पे उसकी सब मालूमात लेके हम वहाँ पे धरना धरेंगे और वो गरीबों के बच्चे के लिए खुला करेंगे। जानना चाहेंगे, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। राहुल जी, मुझे ये बताइए, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या, वो पिछले जो चुनाव थे 5 साल के जो नगर सेवक जीत के आए थे, उन्होंने कितने प्रतिशत तक हल करने का प्रयास? पिछले 5 वर्षों में अभी जो फिलहाल नगर सेविका थी यहाँ पे, पाटिल जी की पत्नी धर्मपत्नी जी थी, इन्होंने जैसे कि सचिन केलकर जी ने बताया कि उन्होंने कभी भी हाउस में एक क्वेश्चन नहीं उठाया, जो कि वो एक नगर सेवक क्या होने के तौर पर उनका अधिकार था कि यहाँ के जनता के जो मूलभूत अधिकार है, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी पूरी की जाए, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके प्रश्न हाउस में उठाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया वहाँ पर, और उन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसा कोई विकास नहीं किया हुआ है, वही आरोप है। हम सचिन जी ये जानना चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं जस की तस हैं, लेकिन बजट जो होता है वो बराबर खर्च किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता, अभी आज की देखा जाए दौर में शिवसेना बीजेपी दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो अभी लोगों को समझ चुका है कि जो शिवसेना बीजेपी पिछले 25 साल से महानगर पालिका में सत्ता लिए बैठी है, कोई किसी को खाऊ सेना बोलता है, कोई किसी को क्या बोलता है, ये लोगों के समझ में आया। आज का जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, युवा मतदार है और पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि जो डेवलपमेंट करेगा वही उनको चुन के लाएंगे। अभी पिछले 1 साल से हमारा रोड जो है आधा बना हुआ है, आधा टूटा हुआ है, क्यों पता नहीं, फंड पास हुआ है, सब कुछ आधा काम हो गया, वहाँ से लोगों को बहुत बड़ा संतोष नगर मार्केट है, लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इतनी तकलीफें होते हैं, लेकिन उसका विकास का काम करने का किसी को पड़ा नहीं, बस यहाँ के लोगों को नगर सेवक को दिखता है कहाँ रेती ईटा गिरा है, कहाँ काम हो रहा है, बस वहाँ पे जाके लोगों को दमका के हफ्ताखोरी करना। साफ तौर पे देखा है, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी सचिन केलकर जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वार्ड क्रमांक 41 से। इनका साफ आरोप था कि यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय कॉरपोरेटर थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है, और इस बार यहाँ की स्थानीय जनता उनके साथ खड़ी हुई, आने वाले मनपा चुनाव में वो किस तरह से जनता इनका साथ देगी और इन्हें कॉरपोरेशन चुनाव में जिताएगी, ये सब यहाँ के स्थानीय लोग इनके साथ खड़े होकर एकजुटता दिखा रहे हैं, ये आने वाला दिन ही बताएगा। कैमरामैन बंटी सिंह के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।